Let's start with sum number 18. EV and MR partners sharing profits and losses in the ratio of 3 is to 2 is to 1. Can we say this is old ratio given by them? Balance sheet दिया हुआ है, capital में EVM, investment reserve, bad debt reserve, provident fund, workmen profit sharing fund, creditors, asset side पे goodwill, land and building, machinery, debtors, investment 30,000 जिसका market value है 26,000, cash and P&L account. काफी interesting चीजें दी हुई है balance sheet में. We died on 1st October 2016. Friends, focus on this date. Can I say it's immediately after 6 months of year ending date? All right. 31st मार्च था, तो मार्च काउंट नहीं करेंगे, अप्रैल से स्टार्ट करेंगे एंड वंस अगेन अक्टूबर भी काउंट नहीं करेंगे. ठीक है. एज पर द पार्टनरशिप डीड फॉलोइंग वॉज डिसाइडेड अमॉन्ग्स द पार्टनर्स. गुडविल ऑफ द गुडविल इज वैल्यूड एट रुपीज 1,20,000. ऑल राइट. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ई एंड एम इज डिसाइडेड टू बी 2:1. ओके, सो ई एंड एम का ये न्यू रेशियो दिया हुआ है 2:1. V is to be given profit share till the date of his death on the basis of profit of last year. मैंने आपको बताया था, ये सब में दिया ही होगा आपको. 10% reserve for bad debt is to be provided on debtors. Land and building is valued 10% more. See friends, let me make a correction. Land and building is to be valued. I think ये mistake third time आई है textbook के अंदर, so आप लोग भी correct कर लेना. लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 10% मोर. 1,000 सैलरी पर मंथ इज पेएबल टू वी. 45,000 इज टू बी पेड टू वी इज एग्जीक्यूटर इमीजिएटली एंड बैलेंस अमाउंट इन टू इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम. सी फ्रेंड्स, दिस इज अ सुपर ट्रांजेक्शन. देखेंगे जब वहां पे पहुंचेंगे. प्रिपेयर वीज एग्जीक्यूटर अकाउंट एंड उसका लोन अकाउंट टिल इट इज फाइनली पेड. फ्रेंड्स, लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन वीज एग्जीक्यूटर अकाउंट. लेट्स स्टार्ट. वी इज द डिसीज्ड पार्टनर जिसका डेथ हो गया है. चलिए स्टार्ट करते हैं उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट. 1,20,000 इज द कैपिटल बैलेंस. कैन आई राइट डाउन बाय कैपिटल अकाउंट इट इज 1,20,000. लेट्स वेरीफाई इन्वेस्टमेंट रिजर्व. नाउ फ्रेंड्स प्लीज वेरीफाई इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना हुआ है. 30 का 26 हुआ है. लेट मी मेक अ वर्किंग नोट, स्मॉल वर्किंग नोट. इन्वेस्टमेंट पहले था 30,000 का, उसका न्यू वैल्यू अब हो गया है 26,000. कैन आई से देयर इज अ लॉस ऑफ 4,000 रुपीज. नाउ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारे पास कितना था. 10,000. 10,000 में से कैन आई से पहले तो ये लॉस बेयर करवाएंगे उससे 4,000, तो फ्री रिजर्व कितना हो गया फ्रेंड्स 6,000. सो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 6,000 मल्टीप्लाइड बाय उसका शेयर क्या आएगा 2/6. आई होप यू अंडरस्टैंड. यहाँ पे स्टूडेंट्स गलती कर लेते हैं, 1/6 ले लेते हैं. लेकिन रिमेंबर फ्रेंड्स, हर बार तीसरे पार्टनर का ही रिटायरमेंट या डेथ नहीं होता है, कोई भी जा सकता है. ठीक है, सो इट शुड बी 2/6. लेट मी राइट डाउन इफ इट इज 2/6 इट इज गोइंग टू बी 2,000. ऑल राइट, नेक्स्ट चेक कीजिए मेरे साथ. बैड डेट रिजर्व जाने दो. प्रोविडेंट फंड इज अवर लाइबिलिटी. वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड इज ऑल्सो लाइबिलिटी. आई होप यू नो दैट. वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड कैन बी अ फ्री रिजर्व, बट प्रॉफिट शेयरिंग फंड इज अ लाइबिलिटी. क्रेडिटर्स जाने दो. गुडविल, गुडविल का पॉइंट आएगा तब देख लेते हैं. लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट सब जाने दो. कैश भी मुझे नहीं चाहिए. पी एंड एल अकाउंट का डेबिट बैलेंस मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू पी एंड एल. इट्स 42,000 मल्टीप्लाइड बाय 2/6. कैन वी से फ्रेंड्स इट इज 14,000. चलिए लेट स्टार्ट विद एडजस्टमेंट. पहला है गुडविल इज वैल्यूड एट रुपीज 1,20,000. फर्स्ट ऑफ ऑल कैन आई से ओरिजिनल बैलेंस शीट का गुडविल राइट ऑफ करना पड़ेगा. लेट मी राइट डाउन टू गुडविल. इट्स 24,000 मल्टीप्लाइड बाई 2/6 एंड दैट कम्स टू 8,000. ओके, नया वैल्यू कितना है. 1,20,000 है. लेट मी राइट डाउन बाय गुडविल. 1,20,000 का कितना 2/6 40,000 हो जाएगा. फ्रेंड्स रिमेंबर, ये गुडविल ऑब्वियसली जो पुराने पार्टनर्स हैं उनको गेनिंग रेशियो में बेयर करना पड़ेगा.
बट एक्चुअली स्पीकिंग वी आर लिस्ट बॉदर्ड कि कौन कौन से रेशियो में बैर करता है. मेरे लिए तो मायने क्या रखता है कि 1,20,000 इज द न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल, जिसमें से 2/6 डिसीज पार्टनर को मिल जाना चाहिए. यस, एक थोड़ा सा डिफरेंट वे ऑफ प्रेजेंटेशन हम लोग कर सकते हैं. अगर गेनिंग रेशियो में डिवाइड किया तो यहाँ पे बाय गुडविल की जगह पे यू कैन राइट डाउन बाय ई एंड बाय एम, बट आई थिंक इट इज ओके. आप डायरेक्टली बाय गुडविल लिख के कर लोगे तो भी चलेगा. व्हाट्स नेक्स्ट? उन्होंने दिया है कि वी इज टू बी गिवन प्रॉफिट शेयर टिल द डेट ऑफ हिज डेथ ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर. नो फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान, कैन आई मेक अ वर्किंग नोट फॉर प्रॉफिट टिल डेथ? बताइए मुझे, वॉट वॉज द प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर? इट वॉज नॉट, इट इज नॉट मैंशन स्पेसिफिकली. कैन आई से ये जो 42,000 है वो लास्ट ईयर का ही होगा? एंड इट इज नॉट प्रॉफिट, इट इज लॉस. सो फ्रेंड्स, 42,000 मल्टीप्लाइड बाय पहले तो 6/12, एंड वो करने के बाद 2/6. सो आप चेक कर सकते हो 7,000 आएगा. ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 लॉस, इट इज 7,000. नेक्स्ट इज फ्रेंड्स, दे हैव गिवन फ्यू एडजस्टमेंट्स फॉर, कैन वी से रिवैल्यूएशन? लेट मी मेक अ वेरी स्मॉल रिवैल्यूएशन अकाउंट इनटू द वर्किंग नोट. सी फ्रेंड्स, जब भी जो जो चीजें जरूरत पड़ेगी मैं वर्किंग नोट में प्रिपेयर करता जाऊंगा. बताइए मुझे, 10% BDR रखनी है डेटर्स पे, डेटर्स है 80,000 के, अगर 10% रखूँ तो कितना होगा? 8,000. लेकिन आपका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, हमारे पास ऑलरेडी 6,000 रुपये का BDR है. कैन आई से रिमेनिंग 2,000 इज टू बी क्रिएटेड? बैड डेट रिजर्व इज 2,000. ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड 10% मोर. कैन आई से 20,000 का बेनिफिट हो गया बाय लैंड एंड बिल्डिंग, इट इज 20,000. नेक्स्ट, 1,000 सैलरी पर मंथ इज पेएबल टू वी, मतलब कितना होगा? 6,000 होगा सैलरी, और किसको देना है? वी को देना है. तो कहना है इसे इसकी दूसरी इफेक्ट में वी के एग्जीक्यूटर में भी देनी पड़ेगी, सैलरी टू वी 6,000 रुपीज. नाउ ऑल द एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू रिवैल्यूएशंस आर डन. लेट मी क्लोज इट. 20,000 20,000, गेट द बैलेंसिंग फिगर 12,000. ये ई वी एम में जाएगा. लेट मी शो यू बाय रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन का रिजल्ट 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 2/6 उसके रेशियो में, सो इट कम्स टू 4,000. नाउ फ्रेंड्स, व्हाट दे हैव सेड, 45,000 एग्जीक्यूटर्स को इमीडिएटली पे करने और बाकी का अमाउंट लोन में ट्रांसफर करना है. लेट मी शो यू टू कैश 45,000. ये शायद इसके अंदर कुछ करेक्शन है, लेट्स वेरीफाई, देख लेते हैं. कुछ होगा तो मैं आपको बता दूंगा. बाकी का अमाउंट किस में ट्रांसफर करना है? लोन में. चलिए, लेट्स मेक द टोटल 1,20,000 प्लस 2,000 प्लस 40,000 प्लस 6,000 प्लस 4,000, दैट कम्स टू 1,72,000. इफ आई कीप द 1,72,000 ओवर हियर, गेट द बैलेंसिंग फिगर माइनस 14,000 माइनस 8,000 माइनस 7,000 एंड माइनस 45 नहीं है यहाँ पे, इट इज 43,000. ठीक है, सो माइनस 43,000 करेंगे तो इट इज 1,00,000. मैं करवा दूँ आपको टेक्स्ट बुक में भी करेक्शन. सो ये कहाँ जाएगा? लोन में जाएगा. फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान, पहले तो ये करेक्शन कर लीजिए, दिस इज नॉट 45,000, दिस इज 43,000. इट्स अ स्मॉल करेक्शन इन द टेक्स्ट बुक. नाउ फ्रेंड्स, अब क्या होगा? ये जो लोन में अमाउंट गया उसको हमें दो इक्वल एन्युअल ईयरली यानी कि एन्युअल इंस्टॉलमेंट में पे करना है विथ 10% इंटरेस्ट पर एनम. सी फ्रेंड्स, अगर टोटल अमाउंट ऑफ लोन इज 1,00,000 रुपीज, इसको आप दो एन्युअल पार्ट्स में पे करते हो तो कैन आई से आई हैव टू पे 50,000 रुपीज. एंड लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, नॉट ओनली 50,000, आप लोग एक एक साल लेट पे कर रहे हो दोनों इंस्टॉलमेंट,
तो दोनों में क्या लगेगा, रिस्पेक्टिव अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। आई विल शो यू लोन का स्पेसिफिक कैलकुलेशन एंड उसका लेजर। वी आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड विद द कॉलम्स, लेट मी शो यू। 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को इसका डेथ हुआ है, सो वी के एग्जीक्यूटर में से फाइनल अमाउंट हम लोग लेके आए 1 लाख रुपीज एंड अब इसका पेमेंट करेंगे। फ्रेंड्स रिमेंबर देर आर 2 इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट विल बी ऑन 1 अक्टूबर 2017 एंड अनदर विल बी ऑन 1 अक्टूबर 2018। लेट मी मेक श्योर, यस उसका डेथ हुआ है 2016 को, सो 1st इंस्टॉलमेंट इज ऑन 1 अक्टूबर 2017, अनदर विल बी ऑन 1 अक्टूबर 2018। इज इट फाइन? चलिए मैं आपको पूरा वर्किंग नोट बहुत ध्यान से यहाँ पे देखना आप लोग। 1 अक्टूबर 2016, कैन वी राइट डाउन, लोन का जो बैलेंस है वो है 1 लाख रुपीज। नाउ सी फ्रेंड्स, वैसे देखने जाए तो मुझे इंस्टॉलमेंट देना है 1 अक्टूबर 2017 को, यानी कि एग्जैक्ट 1 साल बाद। लेकिन कैन आई से इंस्टॉलमेंट का डेट आने से पहले 31 मार्च 2017 को ईयर एंड होता है। रिमेंबर फ्रेंड्स, ईयर एंड के ऊपर आपके जितने भी लेजर अकाउंट्स असेट लायबिलिटी के ओपन है उन सबको आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट बात, जितने भी असेट लायबिलिटी के अकाउंट ओपन है उन सबको आपको क्लोज करना है एंड उसको आपको बैलेंस शीट में ले जाना है। एंड दूसरी बात, हमारा इंस्टॉलमेंट ड्यू होता है 1 अक्टूबर 2017 को, इसका मतलब हमारा इंटरेस्ट भी ड्यू एंड पेएबल एंड पे होगा 1 अक्टूबर 2017 को। आई अग्री विथ दैट, लेकिन एज वी आर फॉलोइंग अक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, अक्रूअल सिस्टम का मतलब पता है आपको कि कोई भी एक्सपेंस या इनकम जब भी जनरेट होता है, यानी कि जब भी अक्रू होता है तभी हमें उसको पे करना पड़ेगा, सॉरी तभी हमें उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। एंड दैट इज वाई आपको याद होगा फाइनल अकाउंट चैप्टर के अंदर हम लोग आउटस्टैंडिंग सैलरी या आउटस्टैंडिंग रेंट या ऐसे सारे एडजस्टमेंट्स हम लोग करते थे। सो यहां पे ईयर एंड पे, यानी कि 31 मार्च 2017 को मुझे यहां पे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का प्रोविजन करना पड़ेगा। कितना होगा? 1 लाख रुपीज का लोन आउटस्टैंडिंग है। कैन आई से इसका टाइम पीरियड अगर मैं चेक करूं तो इट इज 6 मंथ्स। आप लोग काउंट कीजिए, कर लीजिए, सो 6 बाय 12 एंड मल्टीप्लाइड बाय 10%, सो वो आता है 5000। फ्रेंड्स रिमेंबर, लेजर सारे क्लोज होते हैं एंड वो कहाँ ट्रांसफर होता है? बैलेंस शीट में। वर्किंग नोट को क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। मैं राइट साइड पे जो वर्किंग नोट है ग्रीन पेन से जो मैंने बनाया है उसको मैं ओपन रखूंगा, लेकिन लेजर आई नीड टू क्लोज। यहाँ पे ध्यान, 31/3/17 बाय आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 5000, ये लेजर है, इसको मैं क्लोज करूँगा 1,05,000। आई विल कीप द बैलेंस सेम टोटल ओवर हियर 1,05,000 एंड 1,05,000 विल बी ओवर हियर एज ऑन 31 मार्च 2017 टू क्लोजिंग बैलेंस 1/4/2017 बाय ओपनिंग बैलेंस 1,05,000। ऑल राइट फ्रेंड्स, अब वर्किंग नोट में जाते हैं वापस। ऑन 1/10/17 और 6 महीने का इंटरेस्ट, क्योंकि हम जब भी उसको इंस्टॉलमेंट देने के लिए जाएंगे ना तब वो हमेशा यही बताएगा कि अभी तक का पहले इंटरेस्ट दो मुझे, बाद में हम इंस्टॉलमेंट की बात करते हैं। ऑब्वियसली लोन के सारे ट्रांजेक्शन पे ऐसा ही होता है। सो अब क्या होगा, वही 1 लाख रुपीज पे रिमेनिंग 6 मंथ्स का, डू यू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, रिमेनिंग 6 मंथ्स मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक का 10%, कैन वी से 5000, टोटल बन जाएगा 1,10,000। ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें क्या होगी, प्लस होगी। ऑन 1/10/2017 हम लोग उसको कैश पे करेंगे, कितना? कैन आई से एक इंस्टॉलमेंट 50,000 का था, मैं याद करवा दूँ आपको,
हमारी ऑलरेडी बात हुई थी कि हर एक इंस्टॉलमेंट कितने कितने का होगा, 50-50,000 प्लस इंटरेस्ट टिल डेट। तो देखिए एक इंस्टॉलमेंट 50,000 का होगा प्लस उसमें जो अब तक का इंटरेस्ट है, अब तक का इंटरेस्ट यानी 10,000 रुपये, बताइए मुझे टोटल कितना हो जाएगा, 60,000। और ये कैश पे हम लोग करेंगे तो ये कितना बच जाएगा, 50,000 रुपीज़। नाउ लेट मी टेक दिस वर्किंग नोट इन टू द लेजर। फ्रेंड्स बिफोर आई गो अहेड विद द लेजर आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग, ये जो लेजर में हमारा डेबिट साइड है और ये जो हमारा क्रेडिट साइड है, प्लीज़ मान के चलो कि क्रेडिट साइड इज़ अ प्लस वाला साइड, बिकॉज ऑब्वियसली वी का जो लोन है वो हमारे लिए क्या है, एक लाइबिलिटी है। तो क्रेडिट साइड इज़ अ प्लस साइड, जितनी जितनी चीज़ें वहाँ पे प्लस होती है वो सब हम लोग क्रेडिट में डालेंगे और जितनी भी चीज़ें माइनस होती है वो सब हम लोग कहाँ पे डालेंगे, डेबिट में डालेंगे। एंड विद द सेम लॉजिक लेट मी शो यू ऑन 1/10/2017 आपने क्या किया, नया इंटरेस्ट जनरेट किया कितना, 5,000 रुपीज़, तो वो प्लस में गया, कैश पे किया तो वो क्या होगा, माइनस में जाएगा। टू कैश कितने रुपए, 60,000 रुपीज़। नाउ फ्रेंड्स लेट मी टेल यू, यहां पे मैं लेजर क्लोज नहीं करूंगा, एक बात आप लोग माइंड में रख लो कि लेजर हमेशा एट द एंड ऑफ द ईयर ही क्लोज होगा, एंड वर्किंग नोट जो है आपका, जो वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट हमेशा इंस्टॉलमेंट के टाइम पे क्लोज होगा, यानी 1/10/110 को हमेशा क्लोज होगा। ओके सो वर्किंग नोट मैंने 1/10 को क्लोज की, लेजर में 31/3 को करूंगा। नाउ फ्रेंड्स आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑन 1/10/2017, वर्किंग नोट तो वैसे भी वेट कर रहा है कि 1/10/2018 को मुझे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करना है। कब पे करना है, 1/10/2018 को। बट कैन आई से उससे पहले 31/03/2018 को मुझे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, कितना, 50,000 का लोन अमाउंट बचा है अभी 6 मंथ्स के लिए, 10% एंड दैट कम्स टू 2,500। एज डिस्कस्ड आई विल नॉट बी क्लोजिंग द वर्किंग नोट, मैं क्या क्लोज करूँगा, लेजर क्लोज करूँगा। आ जाइए 31/03/2018 बाय आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ऑब्वियसली ये प्लस होता है 2,500। लेट मी मेक द टोटल 1,12,500, 1,12,500, 52,500 टू क्लोजिंग बैलेंस 31/03/2018, 1/4/18 को बाय ओपनिंग बैलेंस इट इज 52,500। डन फ्रेंड्स, आगे चेक करते हैं हम लोग, अब कौन सा डेट आएगा, 1 अक्टूबर 2018, प्लस करेंगे हम लोग इंटरेस्ट अभी तक का 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 6/12 एंड मल्टीप्लाइड बाय 10%, दैट कम्स टू 2,500, टोटल इज 55,000। एंड ऑन द सेम डेट आई विल मेक पेमेंट ऑफ कैश, कैश पेड कितना हो जाएगा, 55,000 ही रखेंगे, सो ये जीरो। कैसे 55,000, फ्रेंड्स 50,000 का इंस्टॉलमेंट प्लस अभी तक का इंटरेस्ट, ठीक है। लेट्स पोस्ट द सेम 1 अक्टूबर 2018 बाय इंटरेस्ट, देखिए जो चीजें प्लस हुई है वो क्रेडिट में आएगी 2,500 एंड जो माइनस हुई है वो डेबिट में, 1/10/18 टू कैश 55,000, I'll keep this 55,000 over here, 55,000, okay? Now you can read the question, उन्होंने बोला था लोन अकाउंट कब तक का पे करना है, प्रिपेयर करना है, टिल इट इज फाइनली पेड, कैन आई से इट इज मेड फॉर टिल इट इज फाइनली पेड। फ्रेंड्स इस टाइप के एग्जाम्पल्स के बारे में मैं आपको स्पेसिफिकली बताना चाहूँगा कि ये एग्जाम्पल्स अपने नॉर्मल रिटायरमेंट के सम्स नहीं है, इसमें हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी ये एक डिसीज पार्टनर के रिलेटिव का लोन अकाउंट प्रिपेयर करना है, जिसकी आप लोग देख सकते हो जिसकी वर्किंग नोट्स भी फैंटास्टिक है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को प्लीज़ निग्लेक्ट मत कीजिएगा, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नया सिलेबस आया है उसके अंदर ये जो टाइप के एग्जाम्पल्स है दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, 8 मार्कर्स के लिए ये परफेक्ट वर्थ एग्जाम्पल है। सो फ्रेंड्स इसको भी
इतना ही अच्छे से रिवाइज कीजिएगा जितने आगे आप आगे के सम्स को आप लोग फॉलो करते हो. ऑलराइट, थैंक यू.